जी हाँ दोस्तों, अब आप अपना फोन बिना टच किए चला सकते हैं। सिर्फ आपको अपने फोन से बोलना है और आपका फोन सारा काम कर देगा, जो भी आप चाहते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर नए मैसेजेस आए हैं, उन्हें अगर रीड करना है तो भी आप रीड करा सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद का फोटो लेना है तो भी आप इससे ले सकते हैं, वो भी सिर्फ बोलकर। तो ये सब आपके फोन में कैसे काम करेगी, तो उसके लिए आप इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और उसके बाद आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आया और आप उसे बिना टच किए पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने फोन को बोलिए, ओके गूगल, रीड माई रिसेंट मैसेजेस। ओके गूगल, रीड व्हाट्सएप मैसेज। You've got a new message from Rajaram Varun WhatsApp. Hi. और आपका गूगल असिस्टेंट वो मैसेज को पढ़कर बता देगा कि वो मैसेज किसका आया है। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहीं से उन मैसेजेस को रिप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज तो आप सभी को पता होगा कि कैसे किसी को कॉल लगाना है, ओके? लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे आप अपने फोन को बोलकर अपना फोटो खिंचवा सकते हैं? तो उसके लिए आपको बोलना होगा, ओके गूगल, टेक अ सेल्फी। तो वो आपके फोन के ऑटोमेटिक फ्रंट कैमरा ओपन कर देगा। यहाँ पे मेरा दो कैमरा है इस फोन में, इसलिए कह रहा है कि आप अपने फोन के कैमरे को सेलेक्ट कीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका फ्रंट कैमरा ओपन कर देगा और आपका फोटो क्लिक कर देगा। अगर आपको अपना रिसेंट फोटो देखना हो तो सिर्फ आप बोलिए, ओके गूगल, शो माई रिसेंट फोटोज, और वो आपका रिसेंट फोटो दिखा देगा। अब दोस्तों अगर आपको पता करना होगा कि आप अपने गूगल में अपना ईमेल आईडी में अपना क्या नाम डाले हैं, तो व्हाट इज उसके माई लिए नेम? आपको बोलना होगा, ओके गूगल, व्हाट्स माई नेम। तो आपको गूगल असिस्टेंट आपका नाम बता देगा। अब दोस्तों अगर आपको अपने फोन में गूगल अलार्म सेट करना सेट होगा तो सिर्फ अलार्म आपको बोलना होगा, ओके गूगल, सेट अ अलार्म। और आफ्टर यहाँ पे टू आप आवर उस अलार्म का टाइम बता दीजिए कि किस वक्त आप उस अलार्म को सेट करना चाहते हैं, किस वक्त अलार्म बजाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप को बिना ओपन किए अपने दोस्तों को मैसेज भेजना चाहते हैं, अपना लास्ट सीन छुपाना चाहते हैं, तो आप अपने गूगल असिस्टेंट से बोलेंगे, ओके गूगल, सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस। और यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप किसे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको नाम बोल दीजिए। एंड उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप उसको क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, यहाँ पे आप उसका मैसेज डाल दीजिए। एंड उसके बाद सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए या फिर बोलने के लिए बोलेगा कि सेंड बोलिए, और उसके बाद ये मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बहुत ही कम चीज़ें बताई। अगर मैं आप सभी को बताने जाऊं तो वीडियो कम से कम 1 घंटे का बन जाएगा, लेकिन आप सभी काफ़ी समझदार हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ कमांड नहीं पता है तो एक कमांड वाली एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर आप उन सारे कमांड को याद कर लीजिए, या फिर आप उस एप्लीकेशन की मदद से उन कमांड को पढ़कर गूगल असिस्टेंट से अपने काम करवा सकते हैं।